तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फ्री फॉल इस कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, देखिए दोस्तों पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बात की थी, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बात की थी, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है, ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमें, हम एनर्जी को ना पैदा कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन वो क्या करता है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग उसके, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम फ्री फॉल के ज़रिए से समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों फ्री फॉल का मतलब क्या है, देखिए फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या है, देखिए एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एज फ्री फॉल। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, देखिए दोस्तों कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है और सिर्फ उसके ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उस गिरने को फ्री फॉल बोलेंगे। फिर से एक बार देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है और सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी ना, जिस फोर्स से खींचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उस गिरने को फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल में दोस्तों यहाँ पर आपको एयर एज्यूम नहीं करनी है, यहाँ पर एयर नहीं है ऐसा एज्यूम करना है आपको, क्योंकि एयर होती तो एयर एक फोर्स लगाती है ना उसके ऊपर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है। फ्री फॉल हम कहाँ पर एज्यूम करते हैं, वैक्यूम में एज्यूम करना है, मतलब यहाँ पर कोई कुछ प्रेजेंट नहीं है, तब ऑब्जेक्ट जब गिरेगा उसको फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो एज्यूमशन हम क्या करते हैं फ्री फॉल के वक्त, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ओके। और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा होता है ना, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो जी लेटर से दिखाया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर नीचे गिरते वक्त इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जी के बराबर होगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर फ्री फॉल क्या होता है ये समझ में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जो फ्री फॉल कर रहा है एच हाइट से, ये ज़मीन है और ज़मीन से एच हाइट से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ठीक है, ओके। तो हम ए पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालेंगे, बी पोजीशन पे भी निकालेंगे और सी पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और उनके बीच क्या रिलेशन है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए पॉइंट पे देखेंगे दोस्तों, एट ए ए पॉइंट पे आप मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी होगी। तो हाइट कितनी है ग्राउंड से, ग्राउंड से हाइट है एच, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है एम इंटू जी इंटू हाइट, हाइट कितनी हुई यहाँ पर एच, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इतनी है। अब क्योंकि यहाँ से आपने इसको छोड़ा है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, जीरो है। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, ए पॉइंट की वेलोसिटी है जीरो, तो यहाँ पर अगर आप जीरो पुट करोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो जीरो आ जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी एच। मतलब ए पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच बराबर, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इसलिए उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी एम जी एच बराबर, ठीक है। तो ए पॉइंट का कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर दिया है, ए पॉइंट का कैलकुलेशन हमने कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस पॉइंट पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई है वी बी, ओके, और ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हुई, ये हाइट है एच, ये हाइट है एक्स, तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी हुई, ये हाइट कितनी हुई, देखिए दोस्तों ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हाइट कितनी हुई, ये एच माइनस एक्स होगी ना, एच माइनस एक्स। तो दोस्तों इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट बी, एट बी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पर एम जी इंटू ये हाइट, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी इंटू ये हाइट कितनी है एच माइनस एक्स, ठीक है, एम जी एच माइनस एक्स, ये हुई पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट पर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी आपका फॉर्मूला आपको पता है हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी है वी बी, तो ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर, ओके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वी बी निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक की मोशन का कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये मोशन हम लोग कंसिडर करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो न्यूटन का इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे वी बी को निकालने के लिए, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर निकालता हूँ मैं, देखिए फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड
इक्वेशन, ठीक है, न्यूटन का थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यू है, जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, है ना, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वाइस, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन जी के बराबर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ एक्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स, तो वी बी स्क्वायर के लिए हमें इक्वेशन मिल चुका है ट्वाइस जी एक्स, ठीक है, ओके, तो ये वी बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग ट्वाइस जी एक्स पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी बी स्क्वायर के बराबर ट्वाइस जी एक्स, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको इक्वेशन मिलेगा एम इंटू जी इंटू एक्स, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये बी पॉइंट पर हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, सो एट बी टोटल एनर्जी कितनी होगी रे, देखिए यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पर एम जी एक्स, ठीक है, तो ये एम जी एक्स, अब दोस्तों ये प्लस एम जी एक्स और माइनस एम जी एक्स कैंसिल हो जाएगा और टोटल एनर्जी जो है एम जी एच इतनी ही रहेगी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है चाहे वो पॉइंट ए पर हो, ए पर कितनी थी एम जी एच, बी पॉइंट पर क्या हुआ टोटल एनर्जी उतनी है एम जी एच, ठीक है, ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और टोटल एनर्जी निकालेंगे। अब सी पॉइंट पर देखिए, सी पॉइंट पर एट सी, सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब सी पॉइंट पर हाइट कितनी है, हाइट तो जीरो है, ग्राउंड के नज़दीक है वो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एम जी एच, और एच कितना है यहाँ पे जीरो है, तो ये अगर जीरो आ जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो आ जाएगी, मतलब सी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर जीरो होगी। अब इस पॉइंट पर मान लेते हैं जब ये स्ट्राइक होने ही वाला है यहाँ पर ग्राउंड के बहुत करीब है, उस पॉइंट पर मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी है वी सी, ओके, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी सी स्क्वायर, सी पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर, ओके, तो ये क्या आएगा देखिए यहाँ पर हाफ इंटू एम वी सी स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए वी बी स्क्वायर हमने कैसे निकाला था, यहाँ से यहाँ तक की हमने मोशन को कंसिडर किया था, अब वी सी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक की मोशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है, ओके, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की मोशन को कंसिडर करेंगे तो न्यूटन का हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस, टू इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ से यहाँ जी के बराबर, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से यहाँ एच के बराबर, ठीक है, तो हमें यहाँ पर वी सी स्क्वायर के लिए इक्वेशन मिल चुका है टू जी एच, ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वी सी स्क्वायर बराबर टू जी एच पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा टू जी एच और टू से टू ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको इक्वेशन मिल जाएगा कितना एम जी एच, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, एट सी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो और काइनेटिक एनर्जी हो गई एम जी एच, मतलब सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी क्या है सेम है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही थी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही थी, और जब ये पॉइंट यहाँ पर पहुँचा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पहुँचा, तब क्या हुआ उसका, तब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई लेकिन काइनेटिक एनर्जी एम जी एच हो गई, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी क्या हुई, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका ये मतलब है, ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देखिए, आपके स्कूल के टीचर अगर आपको बोलते हैं ये डेरिवेशन याद करना है तो आप याद करिए, अगर वो नहीं बोलते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर समझना ज़रूरी था जो कि फ्री फॉल का कंसेप्ट है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये फ्री फॉल में कैसे लगाया गया है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना था, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये फ्री फॉल वाला जो कंसेप्ट है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये पावर क्या होती है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।